दिन दिन दिन, की, की एक बात ये कही गई कि यहां आपको कुछ पहले जो सुनने को नहीं मिला वो सुनने को मिला इसमें एक अंश सच्चा है कि हो सकता है आपको सुनने को नहीं मिला कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक जो नहीं बताया गया वो स्वामी जी बताते ऐसा नहीं है ये ठीक है कि हमने ध्यान नहीं दिया या उन ग्रंथों के द्वारा हम नहीं समझने की कोशिश की यह शतप्रतिशत असत्य है कि मैंने कोई नई बात कही है यह बात सत प्रतिशत सत्य है कि जो हजारों बार हजारों गुरुओं के द्वारा कही गई है उसी बात को मैंने आज की परिस्थिति के अनुसार सरल किया है और सरल करने पर भी ये बात समझ नहीं आती यदि इस कठिन विषय को और कठिन कर दिया जाए तो समस्या बढ़ जाती है कोई पूछे जल क्या होता है अब आजकल बहुत प्रचलित है पर जब हम पढ़ते थे तो पानी जानते थे हम जल भी नहीं जानते तो पुस्तक में जल आया हमने पूछा जल क्या होता है तो पानी न कहकर यदि कोई कह दे तोय होता है नीर होता है हुआरी होता है तो और कठिन हो गए जल का अर्थ नीर जल का अर्थ तोय जल का अर्थ वारी जब हम पूछें जल क्या होता है तो कह देते पानी पानी जानते थे तो इसी तरह से अपने आप में अध्यात्म विद्या कठिन है यदि इसको हम भाषा की कठिनता में और डाल दें तो साधक उस सत्य से वंचित रह जाएंगे मैं अपनी इस नीयत को ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी नीयत इस विषय को लंबा करने की नहीं है अगले जन्मों तक घसीटने की नहीं है मेरी नीयत यह है कि जितनी जल्दी ये आपको समझ आ जाए उतना ही अच्छा है और आपका जीवन संसार के काम काज करते हुए मुक्त हो जाए फिर मैं बताऊँ मुझे शब्द याद नहीं रहते कि हंसंद होए मुक्ति हंसते खेलते खाते पीते काम करते दुकान धंधा करते यही मुक्त हो सकते हो ये जो मोक्ष की बात को ऐसा बना दिया गया कि कोई बाबा वैरागी ही मोक्ष प्राप्त करेगा उससे वेदांत को या अच्छी सच्ची बातों को धक्का लगा ये कुछ लोगों की विद्या बना दी गई और उस सत्य विद्या से हम वंचित रहें बल्कि यह कोई पढ़ाई जैसी विद्या भी नहीं है कि कोई हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू की जैसी कोई भाषा की कठिनाई हो ये बहुत सरल विद्या भी है जो किसी कठिनाई के बिना समझी जा सकती है ये तो गुंगे जैसी बात है कई जगह तो कहा अबचने नहीं वो प्रोवाच बिना जवान के बोले बिना बोले भी बोला जा सकता है और ध्यान वही बात है ध्यान का मतलब यह है कि अधिक बिना बोले ही इस सत्य को समझ जाओ और ज्यादा समझाने में बात उलझ जाती है इसके लिए आपने सुना होगा एक शब्द प्रचलित है टेढ़ी खीर टेढ़ी खीर प्रचलित है एक तरह से समझाने की कोशिश है कि कैसे बात कठिन हो जाती एक कोई सूरदास भंडारे में थे उसमें परोसने वालों ने पूछ लिया सूरदास जी खीर खाओगे उसने पूछा खीर क्या होती है कैसी होती है उन्होंने कहा खीर मीठी होती है खाने में बहुत अच्छी लगती है तो उसने पूछ लिया कि कैसे बनती है कि दूध से बनती है चावल से बनती है चीनी से बनती है उसने फिर पूछा दूध कैसा होता है चीनी कैसी होती है चावल कैसे होते उन्होंने कहा सफेद होता है पूछा सफेद कैसा होता है उनका बगले जैसा बगला होता है ना कहें बगले जैसा होता है अब वो क्या जाने उनका बगला कैसा होता है उन्होंने देखा कब तक बताऊंगा हाथ ऐसे टेढ़ा करा और उस सूरदास का हाथ बगला ऐसा होता है कहता है भैया मैं नहीं खाऊंगा तो गले ही फाड़ देगी खीर को समझाते समझाते खीर टेढ़ी हो गई खाने लायक न रही सूरदास ने घबरा कर भैया मत दो ये अध्यात्म की इतनी सरल सी बात समझाते 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 टेढ़ी खीर बन गए ये कोई कठिन बात नहीं है खीर जैसी खाओ लेकिन समझाने लग जाओगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी खाने लग जाओगे तो तो स्वाद आएगा यदि बिना पूछे ही खा चलता तो परिचय देना ही नहीं पड़ता खीर क्या होती है आप इस रास्ते पर चल पड़ो देखो कितना आनंद है कितना लाभ है पहले ही तर्क में पड़ जाओगे तो और उलझ जाओगे नायम तर्कण मत इराप नया यह विद्या तर्क से प्राप्त नहीं होती राम अतर्क बुद्धिमन बाणी मत हमार अस सुनहु भवानी ये राम तर्क की बातें तर्क का विषय नहीं है धर्म है अध्यात्म है ये तर्क की चीजें नहीं है कोई वकालत का मामला नहीं है लेकिन जब कोई पूछता है तो फिर खीर की तरह कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता और बताते बताते गुड़ गोबर हो जाता है ये गुड़ गोबर कहाँ गुड़ कहा गोबर कई लोग कहते इन्होंने सारे गुड़ को गोबर कर दिया बात को ही रद्दी कर दिया गुड़ गोबर हो गए ये कहावतें ऐसे नहीं है इसी तरह लोग कहते हैं हीरा गवाए गए हो कचरे में हीरा कचरे में खो गया ये आत्मा हीरा इस कचरे में खो गया मिलता नहीं है और लोग ये भी कहते हैं कि भाई कीमती चीज नाली में पड़ी हो तो भी उठा लेना चाहिए इस आत्मधन को इस नाली में इस गंदे में इससे निकाल लो ये बहुत छोटा सा काम है अब मैं आपकी बात को सरल करने की कोशिश करता हूं हो जाए टेढ़ी खीर तो फिर मैं नहीं जानता कोशिश करूंगा कि सूरदास इस खीर को खा सके एक शब्द सुना है अस्तित्व सत्य एग्जिस्टेंस हस्ती जो है और है के दो नाम होते हैं। एक है जो हुआ है एक है जो अनु हुआ है आप जानते हो भारत में एक देवता है जिसके बाप का पता नहीं अभी आप करवा चौथ सुन रहे थे तो मुझे ख्याल आ गया भगवान शिव का शिव बाबा नहीं मरे कभी उनकी घरवाली पैदा होती है फिर मरती है फिर दूसरा जन्म लेती मरती वो भी नहीं है खेल ही करती है फिर पैदा होती है फिर ब्याह होता है फिर पैदा होती है फिर होता है फिर आती है और शिव ही है जो उनके साथ रहती है और शिव ही ये कैसे हैं जिनके बाप का पता किसी को नहीं है क्यों नहीं है बाप ही नहीं है तो पता कैसे हो जाएगा जिसका कोई बाप ना हो जो किया ना हो कीता ना हो जो बिना किए हो वही शिव है जो करने से हो वो पार्वती है जो पैदा हो वो पार्वती है वो सृष्टि है जो पैदा हो वो जीव है जो पैदा हो संसार है जो पैदा नहीं होता वो परमात्मा है ब्रह्म है इसलिए वो अनादि है प्रारंभ रहित है और अंत रहित है इसलिए अनंत है अनंत जिसका अंत नहीं है अंत जानेंगे क्या जब अंत ही नहीं अंत जानेंगे जिसका प्रारंभ है जिसका अंत है जो शुरू होता है समाप्त होता है वो जाना जाता है जो शुरू नहीं हुआ समाप्त नहीं उसका आदि कैसे जानोगे जब प्रारंभ ही नहीं है तो आदि पाओगे कैसे जब अंत ही नहीं है तो अंत कैसे ढूंढ लोगे वो तो अनंत है तो अस्तित्व जो पैदा नहीं होता जो समाप्त नहीं होता समझाने के लिए सपोज जब से आप इस दुनिया में आए आप आपके पिता आपके पिता के पिता और हम हमारे लड़के बच्चे नाती पनाती आकर के जमीन किसने बनाई है हमारे पिता ने बाबा ने हमने जमीन यहां बनी बनाई पाई है ये भी बनी होगी लेकिन कम से कम किसी आदमी की बनाई पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के बोलो उन्होंने बनाई अच्छा वर्तमान वाले आगे वाले बनाएंगे जमीन हमको बनी बनाई मिली मकान बनाए हमने मकान बनाए बनवाए आगे भी बनवाएंगे कुछ गिरेंगे भी बने नहीं रहेंगे आपके बनाए बने रहेंगे आपके बनाए बने नहीं रहेंगे बिना बनाए काम चलेगा नहीं लेकिन ये बनाई हुई चीजें सच्ची नहीं है काम चला हुआ है इसलिए इनको भी है कहते हैं कोई आदमी नहीं कहेगा कि ये मकान नहीं है ये ईटा नहीं है ये घड़ा नहीं है उनको भी हम है शब्द का प्रयोग करते हैं भाषा जगत में कुछ तो कहोगे अच्छा मकान को कहोगे नहीं है बोलो और जब गिर जाएगा तब भी कहोगे है उसको कभी ना कभी है कहोगे और कभी ना कभी फिर नहीं भी कहोगे ये दोनों शब्द नहीं है और है और एक और है सत्य जो पहले भी है कहना पड़ा ध्यान नहीं गया हो तो न सही मकान बनने में भी वो है मकान न रहने पर भी है उसका क्या नाम है हा मिट्टी जब दोनों नाम समझ लिए दो नाम सुना दिए एक नाम वो जो पैदा हुआ है नाम पैदा हुआ है नाम की वस्तु पैदा हुई दोनों मकान पैदा हुआ मकान नाम पैदा हुआ मिट्टी नाम मर जाएगा घड़े का नाम मिट जाए घड़ा नाम मिट जाए घड़े का रूप मिट जाए मकान नाम मिट जाए मिट्टी नाम लेकिन लोग मिट्टी नाम से परिचित नहीं है सत्य नाम से परिचित नहीं है सत्य नाम को छोड़कर सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप इसके मुंह में डाल दो नौसादर को बाप विश्लेषण नहीं करूंगा नौसादर का बाप बड़ा खतरनाक है जो झूठ नाम जपता है जो पैदा हुए का नाम लेता है जो जन्मे का नाम लेता है जो मर जाने वाले का भजन करता है मर जाने वाले को बचाए रखना चाहता है इसलिए सत्य नाम जपो सत्य नाम, सत्य नाम, नाम जी और आप क्या जपते झूठ नाम जपते रहे हो जप रहे हो शायद आगे भी जपो ग्रंथ कहते हैं जपो सतनाम 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 जी और आपको अभ्यास आप पड़ा हुआ है झूठ नाम जपने का ये है वो है फलाना है, है ही नहीं वो पैदा हुआ है और बिना सत्य के कोई भी झूठ नाम पैदा नहीं होता झूठ को चलने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ता है लोग कहते हैं झूठ के पांव फिर चलता कैसे सब जगह सत्य के सहारे चलता है अच्छा सौ के नकली नोट पांच सौ के नकली नोट कभी कभी चलते हैं कि नहीं चल जाते हैं क्यों चल जाते हैं अच्छा पचपन का नोट पंचानबे का नोट चला ना कली क्यों नहीं चला क्योंकि पंचानबे का असली नहीं होता इसलिए धोखा पड़ा ही नहीं सकता मूर्ख आदमी भी पंचानबे का नोट और सौ का तो हमारे जैसे फंस जाते एक बार मैं स्कीम बता दूं तुम भी इस्तेमाल करो तो कर लेना एक बार हम सागर में थे सागर मध्य प्रदेश में एक कैसेट लेने आया दुकान वाले भी सुन ले हमारे बुक स्टॉल उसने सौ का नोट निकाला बीस का एक कैसेट लिया अस्सी रुपये वापस लिए वो नोट था सौ का नकली नहीं समझे? नकली नोट दे गया अस्सी रुपया ले गया एक प्रवचन भी ले गया चल गया ना नकली क्यों चल गया सबको सौ नोट के होने का भरोसा है इसलिए चल जाता है झूठ भी चलता है क्योंकि उसमें सत्य का भरोसा है सत्य का होना है जिसमें सत्य होगा वो भी सत्य लगने लगता है मकान सत्य लगता है क्योंकि उसमें सत्य मिट्टी है तुम सत्य लगते हो मैं सत्य लगता हूं यह सत्य लगता है क्यों इन सब में एक सत्य रहता है अब उस एक सत्य को अभी तक अपन ने देखा यह देखो सब सत्य देखे हैं एक सत्य नहीं देखा और सारी कोशिश एक सत्य दिखाने की है एक मालिक कहो एक सत्य कहो एक परमात्मा कहो एक ज्योति कहो हमें तो अनेक ज्योतियां दिख रही हैं जो जलती और बुझती है जितनी ज्योतियां हैं जलती बुझती हैं जगती सोती हैं, जलाई जाती हैं वो रात को जलाते हो सुबह बुझाते हो ना अपने घर की और ये सुबह जगाते हो रात बुझाते हो जन्म में जली मौत में बुझी, सुबह जगी रात को सोई क्या कोई परमानेंट ज्योति भी है और बिना परमानेंट के कोई टम्परेरी हो सकता है टम्परेरी अस्तित्व बिना परमानेंट अस्तित्व के हो ही नहीं सकता ये अवैज्ञानिक बात है अंधविश्वास की मैं नहीं कह रहा विश्वास की जरूरत तो है पर सत्य विश्वास का मोहताज नहीं है सत्य के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती बन ही नहीं सकती दिख ही नहीं सकती और उस सत्य से हुई चीजें तीन तरह की उस एक सत्य से उपजने वाली तीन तरह की चीजें एक हुई हैं जिन्हें अपने ही होने का पता नहीं है भगवान के होने का पता क्या होगा उपजी हैं सत्य से पर उपजने के बाद उन्हें अपने होने का ही एहसास नहीं है तो उसके होने के खोजने का प्रश्न ही नहीं है वो है दीवारें वो है नदियां है पेड़ पहाड़ इन्हें अपने ही होने का पता नहीं है इसलिए पहाड़ ने कभी दुनिया नहीं देखी पहाड़ ने कभी अपने होने को भी नहीं देखा और पहाड़ ने कभी परमात्मा को भी नहीं स्वीकारा नहीं पता एक वो हैं जो उसी एक से हुए हैं उसी एक से हुए हैं जानवर वो हैं तो उन्हें पता है वो हैं वो हैं उनके साथी हैं बच्चे हैं जीते हैं खाते हैं सोते हैं ये सब हो रहा है उन्हें अपने होने का बस इतना है कि हम हैं बाकी कोई परमात्मा है एक कोई और है हम हुए हैं उस सत्य से ऐसा कोई सोचने की अकल नहीं है उसी एक से उसी एक से हम सब हुए हैं और हमें लगता है हम हैं हम में गुंजाइश है कि हम सोचें कि क्या हम ही थे शुरू से या हम हुए हैं हम हुए हैं तो कब तक रहेंगे और हम स्वतंत्र हैं या हम भी किसी के सहारे हुए हैं लहरें हुई हैं लहरों को पता नहीं है पर एक लहर ऐसी मानो हुई हैं जानवर की तरह और उन्हें अपने होने खेलने का पता है पर सागर का पता नहीं है एक और लहरें मान लो आदमी की तरह उसी सागर में हुई हैं उन्हें पहले लहरें लहरें नजर आती हैं सागर उन्हें भी नजर नहीं आता पर प्रश्न उठता है कि हम कहाँ से आ गए आखिर हम कहां से आ गए थे नहीं तो आए कहाँ से और कहाँ चले जाते हैं क्यों क्यों आए यह प्रश्न उठता है मनुष्य के जीवन में कई लोगों से मैंने सुना है अन्य भाषाओं में कैसे चिन्ह लगाते हैं पर भाषाओं के ये जब ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें एक लाइन खींचते हैं उसको विराम बोलते हैं मुझे नहीं पता कि सब भाषाओं में है कि नहीं है पर भारतीय भाषाओं में एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम विराम बोलते हैं वो ढंग चिन्ह बदल भी सकता है और एक चिन्ह लगाते हैं ऐसे ऊ की तरह की मात्रा आ, नहीं क्वेश्चन आ, कामा आ जहाँ थोड़ा रुकते हैं पूर्ण विराम नहीं अर्ध विराम उसको बोलते हैं और एक ऐसे ही मनुष्य की गर्दन की तरह ऐसे या कम्युनिस्टों के हसिया की तरह कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया ऐसे दराता ये बनाते हैं इसको बोलते हैं हा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह ये मनुष्य की खोपड़ी बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें प्रश्न नहीं है वो मनुष्य नहीं है ये प्रश्न करने को ही पैदा हुआ है लिखा है प्रश्न मांग है जानना चाहता है ये जीवन ही प्रश्नवाचक है गधा प्रश्नवाचक नहीं पेड़ प्रश्नवाचक नहीं केवल मनुष्य प्रश्न करता है हम कौन है कहाँ जाएंगे क्यों आए हैं किसने बनाया है क्या प्रयोजन है कहाँ जाते हैं को हम कथम के न कु सम क्व शरीर कंक्षय हम शरीर न रहने पर कहाँ जाएंगे और कैसे आ जाते हैं कैसे जग जाते हैं? ये जग जाना और सो जाना यह कैसे चलता है अभी अभी चेतन अभी अभी होश और अभी अभी ना कोई गोली मारे ना कोई डॉक्टर आवे ना इंजेक्शन देवे गए सो गए इतना देखने की ताकत जागने की दुनिया है ये है तरन है अमृतसर है पंजाब है हिंदुस्तान है पाकिस्तान सब दिखने लगा और इतना बड़ा ज्ञान सुबह आ जाता है और रात को बिना दवा गोली के बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी डॉक्टर या मास्टर की रहम के आराम से सो जाए आखिर तुमने नहीं पूछा क्योंकि सहज प्राप्त है पर प्रश्न उठना तो चाहिए जागना क्या है कैसे जग जाते हैं? ये कहाँ ज्ञान चला जाता है कोई चोर नहीं ले जाती ये ज्ञान जाता कहां है? और ये ज्ञान को प्रकट करना और फिर ज्ञान को खो देना सुला देना यह योजना किसकी है और देह में आ जाना जन्म के दिन और मरने के दिन इसको छोड़ करके आप तो नहीं छोड़ेंगे बोलो अरे दादागिरी से रहना कौन मुझे को कुटिया खाली कराएगा हा अकड़ जाना हम नहीं जाते तेरे बाप की क्या ताकत है कैसे खाली कराओगे लो, कोई सुनाई नहीं कितनी जोर जबरदस्ती कितनी दादागिरी कितना डिक्टेटर डिक्टेटर बिल्कुल कोई सुनाई नहीं अच्छा प्रजातंत्र के अनुसार भगवान तक नहीं चल रहे भारत चला ले जब तक चला ले प्रजातंत्र प्रजा के अनुसार शासन चलाना प्रजातंत्र तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान दुनिया चलाते हैं यदि दुनिया में सबसे कोई तानाशाह है डिक्टेटर तो है परमात्मा किसी की सुनता ही नहीं वो कहता है तुम्हें चैन से जीना है तो तुम मेरी सुनो मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला और तुम भगवान को सुनाए जा रहे सुनाए जा रहे वो सुनते ही नहीं तुमने कहा हम बुढ़ापा नहीं आना चाहिए नहीं माना तुमने कहा हमारे घर में कोई ना मरे पड़ोसी के मरे सुनते ही नहीं तुमने कहा औरों को चाहे कुछ करो हमारे को बख्शो कहता है नहीं ये पक्षपात नहीं चलेगा चाहे तुम पार्टी के हो चाहे गैर पार्टी के यहाँ तो भारत में अपनी पार्टी के बदमाश जो है सुरक्षित रहते हैं दूसरे वाले फंसाए जाते हैं। नहीं समझ में आई बात हाँ बस 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 दूसरे पार्टी के फंसाओ जब शासन में आओ तो वो बेईमान जब हम थे तब हम बेईमान वो अच्छे थे जो पार्टी में है वो बदमाश है जो बाहर है वो पाक साफ है ओ आर लगते रहे अब देखो तो भगवान ने अपनी पार्टी वालों को नहीं छोड़ा चाहे पूजा करें चाहे पाठ करें रगड़ दिया हमको भी ऐसे ही थे पहले से तुम तो भजन नहीं करते हुए बूढ़े हो गए हम भजन करते करते बूढ़े हो गए छोड़े ही नहीं कोई रियायत ही नहीं कहता है चाहे कुछ करो चाहे बाबा बनो चाहे बाबू सबकी दुर्दशा एक ही जैसे हम सोचे थे हमें बख्श देंगे वो कहते हैं तुम इसका अभिमान छोड़कर आओ तो मेरी शरण आ जाओ बाकी और कहीं जगह नहीं आना तो जिसकी सरकार एक बोला आ, किस तुम कौन हो कहना हम राजपूत हैं कहने लगे तुम तो यार बनिया हो राजपूत बोलते हो कहने लगे जिसका राज उसी के पूत इसलिए हम राजपूत <laughs> राजपूत का मतलब जिसका राज उसके पूत हा तो भैया जिसका राज है उसी के पुत बन जाओ मैं हूं कुत्ता राम का कुत्ता जैसे रस्सी खींचते हैं हम राजी हैं उसी में और तुम राजी नहीं हो मचल जाओ तो क्या होगा वो राजी हो जाएगा तुम राजी नहीं हो तो वो राजी होगा यहां तो कोई आंदोलन करे तो सरकारों को भी घुटना टेका देते हैं इसलिए वो थे एक समय टिकैत और टिकवा देवे से टिकैत अब तो चलो सब ठंडे हो गए कितने दिन ऐसे ही कई लोग स्वास्थ्य बनाकर पहलवानी करके ये दिखाते हैं कि हम न जाएंगे अभ्यास करके न जाएंगे कहते तुम कुछ करो चलेगी तो हमारी तुम्हारी चलने वाली नहीं है इसलिए अंत में क्या है हम राजी हैं तुम भक्ति होकर राजी हो जाओ चाहे ज्ञानी होके राजी हो जाओ चाहे पागल हो के राजी हो जाओ कुछ कहलवाओ पर रास्ता एक है हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी अच्छा ये बताओ हम राजी होने से चैन में हैं यदि हैं या राजी नहीं हैं हम जाने को राजी हैं या नहीं है? यदि हम राजी हैं तो चैन में हमने क्या कर लिया है मान लो तुम तो मुझे मानते हो ना मैं इसलिए बताता हूं यदि मुझे चयन है तो इस बात में जाने से नहीं डरता राजी हो गया हूँ बूढ़ा होने से नहीं डरता अपने चेले अपने गुरु के जाने का भी राजी रहा मेरे गुरु गए भगवान करें आपके ना जाए आपके पति न जाएं, आपके गुरु न जाएं, आपके बेटा न जाएं, आपके बाप न जाएं, आपका घर न जाए आपकी जवानी न जाए पर हमें तो पता है हमें पता है क्या होगा जाएंगे हम नहीं जाएंगे बोलो तो हम क्यों चैन में हैं, तुम क्यों नहीं हो हमने राम राम ज्यादा जपा है इसलिए ना जपने का भी क्या है भक्ति का अर्थ क्या है उसके हुक्म को पहचान कर राजी हो जाओ हाँ मैं मत कहो मैं हूं मेरी चले बस तो बुद्ध भी चैन में हुए महावीर भी चैन में हुए हम चैन में हुए नहीं हुए हो जाएंगे तो क्या करके बूढ़ापन आएगा तो हम चैन में होंगे अच्छा तुम तो हमारे हाथ सिर पे रखवाते हो हमारे पर गुरु ने भी रखा हमने भी रखा रोज अपने ऊपर हमने रोज अपने सिर पे हाथ रखा पर बुढ़ापा नहीं मानता तब तो तुम्हारे लिए जब तुम कभी ये नहीं सोचते जब गुरु जी अपने को नहीं रोक पा रहे हमारे सिर पे हाथ रख के क्या करेंगे हमारे गुरु भाई इस साल आठ दस बारह अच्छे अच्छे चले गए अब क्या करें रोवे तो जब हम नहीं रोते तो तुम भी मत रो और क्या करें हम क्यों नहीं रोते ना समझ है या समझदार क्यों नहीं रोते तो चाहे हम ना समझी से चाहे समझ से यदि हम नहीं रोते तो तुम भी ना रो वही दवा तुम खाओ जो हमने खाई है दूसरी दवा तुमको दे दें क्या जो दवा हमने खाई वही तो देंगे हमारी अजमाई हुई है हमने ऐसी कोई दवा माई नहीं कि बुढ़ापा नहीं आएगा सिर पे हाथ रखो तो ये हो जाएगा इनके घर में कोई गड़बड़ नहीं होगी हमने तो देखा राम के घर में गड़बड़ नहीं रुकी नहीं तुम्हारे घर राम होते तब भी बाप जाता सीता कहाँ गई बनवास दिया कभी सोचो ये सब होता रहा फिर भी कई मस्त हैं बुद्ध मस्त हैं महावीर मस्त हैं महर्षि रमन मस्त हैं अरविंद मस्त हैं कोई भी ज्ञानी स्वामी राम विवेकानंद मस्त हैं, आज भी कोई बाबा मस्त हैं, तो उनके साथ कोई रियायत है सब वैसे ही होता है फिर भी मस्त हैं, तब कोई समझ मिली है कोई मत गुरु मत मिली है कोई संत मत मिली है कोई उपनिषद की समझ मिली है उस समझ की कृपा है कि भगवान की कोई बड़ी मर्जी हो गई दया हो गई कि नहीं स्वामी परमानंद आप चिंता मत करो तुम्हारे यहां काल वाल नहीं आएगा बोलो हमारे यहां समय कोई दस्तक तो नहीं दे रहा हमारे यहां समय ने बचपन से जवान नहीं किया ना हमारे यहां समय ने हमें बूढ़ा नहीं किया बोलो नहीं किया माता कहती नहीं किया अब देखो सामने बूढ़े बैठे हैं कहती है नहीं किया माने समय ने हमारे साथ कोई रियायत नहीं की फिर भी समय हमारा नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि हमको ऐसी समझ गुरुओं ने दी है कबीर साहब कहते हैं काल के माथे पग धरूं अब तुम समझते होगे काल के माथे शरीर से काल के माथे धरूं सतगुरु के उपदेश सतगुरु के उपदेश से काल को मैं नहीं डरता सतगुरु ने अकाल पुरुष तक पहुंचा दिया जहां काल नहीं जाता यहां आता है यहां आएगा पर हम यहां डेरा डाले नहीं बैठे अब सवाल है कि हम गली में खड़े हैं लोग कूड़ा ऊपर से डाल देते हैं ऊपर से नहीं देखा डाल दिया और कोई देखने की जरूरत ही नहीं समझता कि कोई इंसान भी होगा और ये लोग देख ले इंसान बन जाए ये काल तो इंसान नहीं बनता काल बड़ा शैतान है तो जैसे गली से निकलो कूड़ा कचरा वो गंदगी डाल दी उसके ऊपर पड़ गई तो अंत तो में यही कहेंगे भाई तुम ऐसी गली में मत खड़े हो वहां से हटो तो जहां काल आता है जहां कर्म आते हैं जहां बंधन आता है वहां से हटो अलग खड़े हो जाओ और कोई उपाय नहीं है तुम यहां खड़े रहो बुढ़ापा ना तुम यह अपने को बनाए रहो बंधन ना हो यह हो नहीं सकता इसलिए ये बकरे की मां हां कब तक खैर मनाएगी और कहीं ना कहीं तो सेवा इसकी होनी ही होनी अब कहाँ सेवा हो जाए कैसे हो जाए वो अलग विषय है किसी की रोड में हो जाती है किसी की अस्पताल में हो जाती है किसी की घर में होती है किसी के पास हाथ जोड़े सेवादार खड़े हैं तब भी हो रही है किसी का अकेले में हो जाएगी कोई पूछने वाला नहीं तो हाय है बेचारे को कोई अंत समय नहीं था अरे भाई अंत समय कोई होता तो क्या कर लेता भी कोई नहीं था तो असहाय मरा अब कोई खड़े हैं तो खड़े खड़े देखते देखते असहाय रहा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है वो खड़े हैं बैठे कर क्या रहे तो कोई बना रहेगा तो क्या करेगा अच्छा कोई बने रहे चेले खड़े रहे तो मुझे मरने से रोकेंगे क्या अच्छा गुरुजी खड़े रहें तो गुरुजी के रहते तो नहीं जाना पड़ेगा हाँ गुरु की मत तुम्हारे अंदर आ जाए गुरु की समझ आ जाए तुम हो ही क्या है? और परीक्षित को सांप काटने से बचा लिया क्या कथा ने हाँ देहाध्यास से बचा लिया सांप काटता रहा दे सांप ही कोई चीज नहीं है तो बनावटी रूप है वो अस्तित्व में पहुंच गया सत्य में पहुंच गया तो आप यद्यपि ये कथा सचमुच कई लोगों के लिए नहीं है पर कथा नहीं नहीं है कथा तो पुरानी है लगे कहान कछ कथा पुरानी कथा तो पुरानी है पर ना सुनी हो तो नहीं है एक बार क्या था आ, लोमड़ी लोमड़ी उसने बच्चा दिया जून में वो जून में दिया और पंद्रह दिन बाद जोर की वर्षा हो गई तो बच्चा बोला, हा हा आज तक इतनी वर्षा हमने कभी नहीं देखी है पहले बार हुई है अब तुम ही अभी हुए हो पहले बार वर्षा देखी है ऐसी वर्षाएं तो कितनी होती नहीं है। कोई कहे हमने तो कभी मरना ही नहीं देखा था पहली बार देखने को मिला ये मरना कोई नई घटना तो है ही नहीं ये हमारे बाप दादों से घटती चली आई है पर हमारे लिए नई है हमारे घर में पहले बार हुआ हमारे बाप दादों के समय हुआ होगा पर हमारे समय पहले बार कोई चीज नई नहीं, नहीं है इसीलिए हमारे गुरुओं ने क्या कहा चिंता क्या करें ताकि जो अनहोनी हो तो चिंता करो ये तो सुनिश्चित है पक्का है फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया बाकी क्या है नया होने वाला बुढ़ापा नया है कि मरना नया है ये नया है ना नई स्कीम बनाई है जब से ये सरकार आएगी भाजपा वाली है जो सरकार आती नई कानून बनाती अच्छा कोई दुनिया के लिए नया कानून बना कि भाई फलाना ईश्वर था इलेक्शन में हमने जिताया था उसने मरना बंद करा और जब से फलाने वाली सरकार आई तब से मरना फिर चालू कर दे एक बिजली माफ कर दे दूसरी बिजली फिर शुरू कर दे ऐसे ही है बस ये सरकारों का काम है पर हमारी सरकार किसी के दबाव में कोई कानून न बदलती है न सुनती है बिल्कुल बहरी लोग कहते दिल्ली जो है ऊंचा सुनती है अरे दिल्ली ऊंचा तो सुनती है हमारे भगवान तो ऊंचा ऊंचा कुछ सुनते ही नहीं है तुम कहते हो बड़े दयालु हैं हम चिल्लाए चिल्लाए मर गए बुढ़ापा नहीं छोड़ता कहा दयालु है हाँ तुम अपने पर रहम करो तुम ये दुनिया छोड़कर भगवान की शरण जाओ बस उनकी शरण चले जाओ तो फिर, रहें ही रहें है। फिर कोई गड़बड़ नहीं है उन्हीं की पार्टी में हो जाओ यदि चैन से जीना है राजपूत बनो जिसका राज हाँ जब बदल जाए तो कह देना उनके चमचा बनना हाँ आजकल चमचों का ही है भला तो तुम भी भगवान के चमचा भगत भगवान के होके रहो और किसी की चलने वाली नहीं है और कई लोग प्रतिदिन ही छोड़ते हैं कई जगह सुना कि भाई मुख्यमंत्री तो अच्छे पर उनका लड़का कोई कहेगा चौटाला अच्छा है उनका लड़का तो नाम का कहीं गलत अर्थ ना ले लेना मेरा तो समझाना प्रयोजन है हर नेता का कोई ना कोई यदि या तो खुद खराब है वो नहीं है तो उसके नाती पोता अच्छे बच्चे कच्चे और वो चमचे चुमचे वो अपनी दुनिया चलाते ऐसे ही भगवान सीधा नहीं तो काल को भेज रखा है ले यमराज लगा रखे हैं प्रकृति के नियम लगा रखे मन दे रखा है कुछ ना कुछ कर ही रखा है इसलिए परमात्मा ने जो करना है कर दिया है अब मैं बताऊं गुरु की महिमा परमात्मा कुछ करने वाला नहीं चेंज करने वाला नहीं परमात्मा कुछ नहीं चेंज करेगा सिर्फ गुरु तुम्हारी बुद्धि चेंज कर देंगे तो इसलिए परमात्मा का किया हुआ तुम्हें कुछ भी सताएगा नहीं इसलिए गुरु की महिमा परमात्मा से ज्यादा है परमात्मा ने तो कर दिया है तुम्हारी सुनेगा भी नहीं क्या करके देख लो तुम रोज मंदिर जाओ गुरुद्वारे जाओ यदि एको नियम बदल दे भगवान मेरी अपनी समझ है मैं गलत अपनी समझ से नहीं कहता भगवान कोई नियम बदलने वाला नहीं है तुम्हारी बुद्धि बदली जा सकती है और बुद्धि बदलने का काम गुरु करता है हाँ ये उनकी कृपा है ईश्वर की कि उसी गुरु से मिला दे बस तो यदि तुमको सुखी होना है दुख से मुक्त होना है भय से छूटना है तो क्या करो कहाँ जाओ बस गुरु की शरण जाओ गुरु की शरण है गुरु ही एक है ठोर जहां ठिकाना लगेगा वो भेजेंगे भगवान ही के पास भगवान का किया हुआ चैन नहीं देगा गुरु की समझ चैन देगी इसलिए ये सौ चंदा उग सूरज चढ़े हजार एत चांदन हो दिया गुरुबिन घोर अंधा इसलिए यदि कोई काम बाकी रह गया है दुनिया में भगवान ने तो जो करना है कर चुका है उसे अब इसमें कोई न संविधान संशोधन करना है न कोई स्कीम चेंज करनी है न किसी की सुननी है हाँ वो सुनेंगे गुरु तुम्हारी समस्या को गुरु सुनेंगे और इसका समाधान देंगे और तुमको सुखी कर देंगे जो सुखी हुए हैं वो गुरु की कृपा से हुए हैं इसलिए गुरु की शरण जाओ गुरु ग्रंथ साहब की शरण जाओ वाणी की शरण जाओ वाणी गुरु गुरु है वाणी बीच वाणी अमृत सारे वाणी गुरु है वाणी तारेगी वाणी से मुक्त हो गए वो समझ और समझ शब्दों से आती है वचनों से आती है कई बार लोग रोड में हमको प्रणाम करने आए तो मुझे खुश नहीं हुआ कहने के कोई बचन करो हमने कहा इतनी देर बचन करते हैं तुम हाजिर नहीं रहते और रोड में मैं बचन बताओ मिलो गरुड़ मार्ग में मोही कौन भात तो ही रोड में तुम कहते हो महाराज ब्रह्म क्या है घंटों घंटों टाइम देके तो ब्रह्म पल्ले नहीं पड़े आत्मा का साक्षात्कार नहीं होवे तुम रोड में कहते हो आत्मा का दर्शन कैसे होता हा यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो डांट फटकार दिया हो या तुम्हें कोई शब्द गलत लग गया हो तो मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ित करना नहीं है बल्कि झकझोरना है जिससे तुम्हारी नींद टूट जाए तुम जाग जाओ और तुम सत्य को जानकर फिर निश्चिंत तो हो जाओ ऐसे निश्चिंत तो हो जाओ कि बाद में किसी को चिल्लाना ही ना पड़े दौड़ो दौड़ो नाव डूबी जा रही है मरने का टाइम आ गया आप क्या करें पहले से देखो मरना है उसके पहले समझ लो सातवें दिन मरना है कथा आज से सुनो मरने का दिन आए उसके पहले कथा सुन के ऐसे तैयार हो जाओ कि सांप की ऐसी तैसी काल क्या करेगा जो करना है पता है इतना ही करेगा इससे ज्यादा वो कुछ करेगा नहीं उसका उपाय पहले ही कर लिया अपन ने दे देह छोड़ने का कर लिया ये सब अवस्थाएं चेंज होती हैं अपन समझ गए अनचेंज अनचेंजेबल जो है वो समझ आ गया कि एक आत्म चेतना है हो जो बदलती नहीं मरती नहीं और ये केवल स्वर्ग की तरह काल्पनिक नहीं है अपरोक्ष है अपरोक्ष मैं चेंज नहीं होता चेंज देह होता है चेंज मन होता है अवस्थाएं होती हैं गुण होते हैं और ये सब माया से पैदा होते हैं मैं कौन हूं ये जानो अब वो देर हो गई चलो मेरा ही टाइम गड़बड़ होगा तुम्हारा तो होगा नहीं मुझे जाना है अब पांच मिनट के लिए जिस आसन में अच्छा लगे और आज जो तुम्हारी इच्छा हो आपके ध्यान की जगहें बताऊं एक तो सात छह चक्र सात चक्र सात चक्र हैं इनमें कहीं ध्यान कर सकते हो पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं इनमें कहीं ध्यान कर सकते हो आँख में कान में नासिका में रसना में त्वचा में किसी इंद्रिय में ध्यान कर सकते हो किसी चक्र में ध्यान कर सकते हो इंद्रियों में ध्यान करोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी इसके बाद चक्र में चले जाओ तो करना क्या है पहले किसी इंद्री में इतने जागरूक हो तो या तो इंद्रियों का विषय तनमात्रा प्रकट हो जाएगी नेत्र में ध्यान करोगे प्रकाश रूप प्रकट होगा कान में ध्यान करोगे तो नाद प्रकट होगा नासिका में ध्यान करोगे तो गंध प्रकट हो जाएगी ये चमत्कार होता है तुम नींद में जाओ जगत प्रकट हो जाता है शोपन में नहीं हो जाता वो हो जाता है तुमने कोशिश भी नहीं की यदि इन इंद्रियों पर ध्यान करोगे तो इंद्रियों के विषय तन्मात्राएं प्रकट हो जाएंगी शब्द स्पर्श रूप रश, गंध प्रत्यक्ष देखोगे कि हाँ उजेला है प्रत्यक्ष सुनोगे कि आवाजें आती हैं गुरु दिखते हैं निरंकार आकाश नीला बिंदु और भी सब कुछ सुगंध आने लगेगी स्पर्श अच्छा होगा ऐसे लगेगा जैसे क्या छूने को मिल गया है क्या सूंघने को मिल गया है और कहाँ से मिल गया है? ऐसे आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं इसके बाद चक्र हैं चक्रों में ध्यान करोगे तो चक्र खुलते हैं वहां बड़ा आनंद और विचित्र क्रियाएं पैदा होती हैं जो कभी नहीं हुई होती है अकड़ जाना चिल्लाने लगना कंपन शुरू हो जाना चक्रों में आनंद जाने क्या क्या प्रकट होता है ये होता है ये सब उस रास्ते के अनुभव हैं अंतिम नहीं है यदि ये होते हैं तो आप सफल हो लेकिन इसका मतलब नहीं कि पहुंच गए भ्रम टूट गए नहीं भ्रम तोड़ने के लिए तो यह गुण साधन ते नहीं हो तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई और सदगुरु मिले तो जाए जीव संशय भ्रम समुदाय ये तो गुरु के द्वारा भी हो सकते हैं बिना गुरु के भी ये हो सकते हैं कई बार अचानक गए मंदिर में चमत्कार हो गया आपने कहा हमने तो किसी से पूछा भी नहीं गुरु भी नहीं फिर भी हमें उजेला हो गया उजेले के लिए गुरु की जरूरत नहीं है पर गुरु होंगे तो जल्दी होगा इस तरह से चमत्कार अचानक भी हो सकते हैं और गुरु कृपा से भी हो सकते हैं पर गुरु की कृपा इतनी ही नहीं है गुरु की कृपा है जन्म मरण संबंधी भ्रम टूट जाए ज्ञान हो जाए अज्ञान अविद्यामिता का नाश हो जाए आप चैतन्य ब्रह्म उस निरंकार से अभिन्न हो मेरी, मेरी सत्ता उससे बिल्कुल अलग नहीं है ऐसा अनुभव हो जाए ये अंतिम बात है पर ध्यान करना तभी चलोगे अब आप तीन चार मिनट तक अपने ध्यान को किसी इंद्रिय पर होश से आँख में आ गए या कान में आ गए आंख ज्यादा सुगम है आँख में रहने की आदत भी है देखते रहने की तो समझो आँख बंद है और फिर भी देख रहे हैं एक है कि देखते रहो एक यह है कि देखो भी नहीं सिर्फ आँख में रहो और इतना आंख में रहो कि आंख गायब ही हो जाए आंख ना रहेगी तब भी चेतन तो रहेगा मुख्य ध्यान है चेतन रह के आँख में रहना चेतन रह के आंख से देखना अंधेरा दिखे उजेला दिखे और ना दिखे तो अपनी उंगलियों से आँखें बंद करो तो दिखेगा प्रयोजन ये है कि पहले दिखे फिर दूसरा प्रयोजन है आँख हो पर कुछ ना दिखे आँख तो है पर कुछ दिखता नहीं और अगला कदम है आंख ही नहीं है चेतन है मन तो है आंख ही गायब पर ये धीरे धीरे यात्रा पूरी होगी और अगली स्टेज आएगी कि मन है और तुम हो अभी मन है और तुम हो और एक समय होगा अमन अमन तुम होगे अमन ज्योत होगे अमन सिंह होगे अमन नगर हो गए जिस नगर में मन नहीं रहता एक समय जल लहर सहित है और एक समय लहर रहित जल है अरे वो एक चीज पैदा हो गई लहर लगने लगी लहर नहीं रही तो क्या जल मर गया तो दिखाई देना मर जाए देखना रह जाए देखना मर जाए चेतन रह जाए और मन मर जाए साक्षी रह जाए इसी तरह से सब मर जाए चेतन रह जाए दृष्टा मर जाए दृश्य मर जाए दर्शन मर जाए ज्ञाता मर जाए ज्ञान मर जाए गे मर जाए और फिर भी एक चैतन्य सत्य रह जाए एक ही चेतन दृष्टा बनता है दृश्य बनता है दर्शन बनता है एक ही चेतन जड़ जगत बनता है कम अकल जानवर बनता है एक ही चेतन बुद्धिमान मानव बनता है और चेतन चेतन रहता है पर इस चेतन के रहस्य को न पेड़ जानता है न पशु जानता है मनुष्य जान सकता है दृष्टा और दृश्य सब जगह हैं पर मैं दृष्टा हूँ ये कोई कोई जानता है और दृष्टा भी माया से है सत्व गुण से दृष्टा है रजोगुण से दर्शन है तमोगुण से दृश्य है चेतन न दृष्टा है न दर्शन है न दृश्य है ऐसे चैतन्य को चेतन ही सर्व जगत रूप है और चेतन ही सब जगत से रहित है जैसे सब लहरें जल की ही हैं और कोई लहर न हो किसी सेकंड तब भी जल है ऐसे ही ध्यान करो तुम्हारे कारण सब है और कभी कभी सब है तब भी तुम हो अपने को भूलो मत सब कुछ दिखता है सुनाई देता है पता चलता है तब भी तुम हो और जब कुछ भी ना हो अंधेरा हो जाए अंधेरा भी ना हो उजेला हो जाए उजेला भी ना हो संसार है ये भी ना हो तब देखो तुम हो कि नहीं एक बार सर्व रहित सब उर्पुरवासी तुम सबसे रहित हो और सब सब उर्पूर्वाशी हो ध्यान करो तुम ही सभी इंद्रियों में तुम ही सभी चक्रों में तुम ही पूरे देह में विद्यमान हो और एक क्षण हो कि इंद्रियां ना हो मन ना हो पर इंद्रियां और मन ना हो इसमें टाइम लगेगा पर धैर्य रखो तुम लहर मिटाओ मत सावधान रहो थोड़ी देर में लहर मिट जाएगी और तुम देख पाओगे कि अब लहर नहीं है मिट्टी को मकान गिराने की जरूरत नहीं मिट्टी थोड़ा धैर्य रखे हाँ मकान है मकान है कुछ दिनों कुछ वर्षों में मकान खो जाएगा तब मिट्टी को ये देखने को मिलेगा कि मैं बिना मकान की भी हूं ध्यान में तुम थोड़ा टाइम दो सब गायब हो जाएंगे देखोगे दुनिया नहीं है पर आत्मा है कल्पना नहीं है पर साक्षी है सब कुछ खो गया पर अस्तित्व तो है सच्चिदानंद है ऐसे ये बोध सहज प्राप्त हो सकता है कुछ मत करिए पर समय दीजिए शांत रहिए सावधान रहिए कब तक ये मकान रहेगा कब तक ये लहरें रहेंगी कब तक ये गहने रहेंगे कब तक ये मिट्टी के ढेले रहेंगे घुल जाएंगे कुछ तो बचेगा अस्तित्व ऐसे ही कब तक आंख काम करेगी कब तक कान काम करेंगे कब तक मन काम करेगा ये थोड़ी देर में खो जाएंगे और तब तुम यदि सावधान रहोगे तो पता चलेगा ये सब खोए और मैं वहां भी था न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि जहाँ चंद्रमा नहीं है सूरज नहीं है तारे नहीं है बिजली नहीं है तहां भी मैं हूं यद्यपि बिजली चमकती है ध्यान में बादल गरजते हैं सिंग दहाड़ होती है अनाहत नाद होते हैं पर जहां ये ना होंगे तहा मैं मर जाऊंगा क्या इसलिए ज्योतिषाम अपनी तज ज्योति तमसा तमशा पर उच्च ये ज्योतियां आती हैं ये ज्योतियां खो जाती हैं इंद्रिय ज्योति खो जाती है कर्ण ज्योति खो जाती है ग्रहण ज्योति खो, खो जाती है मानस ज्योति खो जाती है अमन होते हैं फिर भी कोई चैतन्य ज्योति रहती है उसका अनुभव करो वही ज्योति आंख में जुड़ जाए देखना बनता है वही ज्योति कान में जुड़ जाए सुनना कहलाता है वही ज्योति छूना बन जाती है वही ज्योति सूंघना बन जाती है वही ज्योति मन बन जाती है और वही ज्योति अमन भी हो जाती है वही जल लहर बन जाता है और वही जल बिना लहर का भी हो जाता है इसमें आश्चर्य क्या है वही चेतन ज्योति दृष्टा बन जाती है दर्शन बन जाती है दृश्य बन जाती है स्वप्न बन जाती है जगत बन जाती है नींद बन जाती है और वही ज्योति इन सब के बिना भी हो जाती है निरंकार अकाल पुरुख निराकार ओ सच खंड ये सारे झूठ खंड जहाँ गिर जाते हैं इंद्रिय खंड मन खंड शरीर खंड लोक परलोक जहाँ सब खो जाते हैं तहाँ भी आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता चैतन्य सत्ता रहती है ये चैतन्य पैदा नहीं होता चेतनता जागृत में गुण से पैदा होती है तमोगुण से जड़ता पैदा होती है रजोगुण से क्रिया पैदा होती है लेकिन चैतन्य अजन्मा है अविनाशी है अकाल है इस चैतन्य को धीरे धीरे उपलब्ध कर सकते हो अभी हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे